ठीक हमारे सामने चौखंबा की स्नो पीक भी दिख रही है। बारावासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति। और मैं हूं आपके साथ करण। दोस्तों अभी हमने आपको एक ट्रेन यात्रा करवाई थी, आज हम आपको एक अलग यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। कौन सी यात्रा करण? प्रगति आज हम अपनी ऑडियंस को ले चलेंगे एक हवाई यात्रा पर। और ये हवाई यात्रा न सिर्फ मजेदार होगी बल्कि इन्फॉर्मेटिव भी होगी। बिल्कुल सही प्रगति, ये इन्फॉर्मेटिव तो होगी ही यात्रा, इसके साथ साथ ये एडवेंचरस भी होगी। हम आपको एक नहीं बल्कि दो अलग अलग जगह पर लेकर जा रहे हैं, उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ और चमोली के गौचर। तो चलिए आइए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं गौचर। चलिए। अब हम देहरादून से गौचर के लिए रवाना हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, गौचर चमोली जिले में आता है और अगर आप कभी बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स या औली जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप हेली सेवा से गौचर तक आ सकते हैं। और इस यात्रा के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से दिखने वाले सुंदर नज़ारे और उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे ही हम देहरादून से गौचर के लिए अपनी उड़ान भरते हैं, हमें देहरादून के सुंदर और खूबसूरत नज़ारे दिखने शुरू हो गए। तकरीबन 30 मिनट के इस सफ़र में हम एक पक्षी की तरह आसमान से दिखने वाले धरती के नज़ारों का अनुभव ले सकेंगे। यह हवाई यात्रा जितनी किफ़ायती है उतनी एडवेंचरस भी है। हवाई यात्रा पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस तब और बढ़ जाती है जब चमोली या उत्तरकाशी के दूरस्थ इलाकों के लोग इस सेवा का लाभ हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए लेते हैं। देहरादून शहर के बाद अब हम कुछ ही देर में टिहरी के पास पहुंच जाएंगे और अगर ऊंचाई की बात करें तो इस वक्त हम समुद्र तल से करीब 7,500 फीट की ऊँचाई पर उड़ान भर रहे हैं और ठीक हमारे सामने चौखंबा की स्नो पीक भी दिख रही है। हिमालय के गंगोत्री समूह के अंतर्गत आने वाला चौखंबा पर्वत 4 शिखरों का समूह है, इसलिए इसे चौखंबा कहा जाता है। इसके अलावा हवाई यात्रा में नंदा देवी स्नो पीक दिखने के साथ केदारकांठा की भी स्नो पीक हमें दिख रही है। और हमारे सामने जो एक बर्फ़ से ढका हुआ विशाल पर्वत दिख रहा है, इसी पर्वत पर ही विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, हेरिटेज एविएशन के जिस हेलीकॉप्टर पर हम सफ़र कर रहे हैं यह 7 सीटर है, यानी पायलट के अलावा 3 यात्री आगे और 4 यात्री पीछे बैठ सकते हैं। टिहरी शहर के बाद अब हम सुंदर छोटे छोटे गांव और खूबसूरत जंगल के ऊपर से यात्रा करने के बाद रुद्रप्रयाग पहुँच गए हैं। नीचे हमें रुद्रप्रयाग का सुंदर शहर दिख रहा है। इसके अलावा अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम का सुंदर दृश्य भी इस हेलीकॉप्टर यात्रा के दौरान आप देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग का शहर क्रॉस करने के बाद अब हम गौचर कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और सामने हमें गौचर का एक सुंदर शहर दिख रहा है और शहर के बीचों बीच बने इस रनवे से ही हम गौचर के लिए लैंड करेंगे। It was a wonderful experience, yeah. It took us just 10 minutes as compared to the last 6 hours ride. So it was a wonderful experience, yeah. I have traveled with this service before. It is such a lovely experience, yeah. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेरिटेज एविएशन के चीफ पायलट मिस्टर पुनीत खन्ना। उनसे हम जानेंगे इस हवाई यात्रा के कुछ टेक्निकल सवाल। सर, बारामासा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा हमें आप ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग रहता है उत्तराखंड की पहाड़ियों पर हेलीकॉप्टर को फ्लाई करना। आप आज हमारे साथ गए थे, टुडे वाज अ लवली डे, है ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन हिल्स वेदर प्लेज अ मेजर रोल। तो दोपहर के टाइम थोड़ी टर्बुलेंस पड़ जाती है, आजकल नहीं
बट अबाउट 8 महीने साल में इट बिकम्स चैलेंजिंग, देन देर इज़ क्लाउड बिल्डअप. और अभी आई होप नहीं हो, लेकिन आपको मालूम है फॉरेस्ट फायर्स बड़ी वो होती हैं, सो उसके कारण द विजिबिलिटी गेट्स वेरी इफेक्टिव. सो दोज आर द चैलेंजेस. देन हम फिर क्या करते हैं कि हम वैली रूटिंग से जाते हैं. आज आपको 30-35 मिनट लगे होंगे जाने में, उस टाइम पे अबाउट इट टेक्स अबाउट 45 मिनट्स लग जाते हैं. सो दोज आर द चैलेंजेस. एंड यात्रा के टाइम बाकी ट्रैफिक भी बहुत होता है चार धाम का, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स. जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हिल फ्लाइंग का इज़ यू फॉलो द वैलीज. तो आप वैली के रास्ते से जाते हैं. मैंने जो आपको रास्ता बताया, बेसिकली हम गंगा को ऊपर फॉलो कर रहे हैं. यू नो देवप्रयाग में गंगा बन गई, उससे ऋषिकेश से हमने एंटर किया, तो वी फॉलो दैट वैली. अलकनंदा की वैली लेके वहाँ चले जाते हैं और भागीरथी की वैली लेके हम चिन्यालीसौर आ जाते हैं. देहरादून से गौचर की हवाई यात्रा के बाद अब हम आपको देहरादून से उत्तरकाशी के चिन्यालीसौर की हवाई यात्रा पर लेकर चलते हैं. हमने यहाँ से उड़ान भर ली है और ये यात्रा लगभग 15 मिनट की होने वाली है. इस यात्रा में हम आपको सुंदर नज़ारे तो दिखाएंगे ही, साथ में रास्ते में पड़ने वाली जगहों के बारे में बताएंगे. अभी हम 5000 फीट की हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं और अभी हमने देहरादून से जस्ट टेक ऑफ किया है और हम 5000 फीट की ऊंचाई पर है. पहाड़ी के पीछे धनौल्टी है, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो धनौल्टी का वेस्टर्न पार्ट है और उसके जस्ट पीछे धनौल्टी है. ऊपर से एक बर्ड व्यू हम देख पा रहे हैं. हमारे साथ चिन्यालीसौर जाने के लिए कुछ पैसेंजर्स भी हैं, 3-4 लोग हैं जो हमारे साथ चिन्यालीसौर जाएंगे. सामने नंदा देवी पीक है और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. अगर आप देहरादून से अकेले ट्रैवल करते हैं तो चिन्यालीसौर जाने के लिए एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. आप अगर टैक्सी से जाते हैं तो आपको मतलब मिनिमम 5-6-7 हज़ार की टैक्सी बुक करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप अकेले उत्तरकाशी जा रहे हैं तो आप 2500 रुपीज़ पे सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में फ्लाइट से जल्दी भी पहुँच सकते हैं बिना किसी खर्चे के. और चिन्यालीसौर जाने के लिए आप इसकी बुकिंग एनएफएच एविएशन वेबसाइट से बुक कर ही सकते हैं. वो सामने हमें चौखंबा पीक दिख रही है, चौखंबा पीक हमें सामने इधर दिख रही है और इधर हम यमुनोत्री और गंगोत्री पीक भी देख सकते हैं. बादलों की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, पीक थोड़ी थोड़ी दिखाई दे. और अभी जब हमने टेक ऑफ किया था तो 5000 की हाइट पर 5000 फीट की हाइट पर है. अभी हमने थोड़ी हाइट और एलिवेशन बढ़ गया है, 8000 फीट की हाइट पर अभी हम फ्लाई कर रहे हैं. थोड़ा सा डर भी लग रहा है. टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटी.
जो सहजधारा इज़ 2800 फीट सी लेवल के से ऊपर और मैक्सिमम गए थे 8000 फीट। बीच में जो जगह आए वो हमने सहजधारा के ऊपर फ्लाई किया, फिर धनौल्टी रिज लाइन क्रॉस की, धनौल्टी से नॉर्थ वेस्ट लगभग 4 किलोमीटर, फिर उसके बाद टेहरी रिज लाइन हमने क्रॉस की 8000 फीट पे। टोटल फ्लाइंग टाइम वाज 16 मिनट्स। और एयर डिस्टेंस कितनी होती है फ्रॉम दिस सहजधारा टू? एयर डिस्टेंस इज 17 नॉटिकल माइल्स, तो दैट वुड बी अबाउट 30 किलोमीटर्स। और हमें अप्रॉक्सीमेटली एयर डिस्टेंस मींस यहां से वहां एक स्ट्रेट लाइन, या है ना, 30 किलोमीटर्स माइल्स। इट वाज 30 किलोमीटर्स और हमने सहजधारा से जब टेक ऑफ किया था और चिन्यारी सॉर्ट तक का जो हमें टाइम लगा है दैट वाज 14 मिनट। बस हम प्लान करने ही वाले हैं। हम चिन्यारी रिसॉर्ट पहुंच गए हैं और हम बस लैंड कर रहे हैं। ये हेलीपैड जो है बिल्कुल चिन्यारी रिसॉर्ट से लगता हुआ इस पे रनवे है और बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है। यहाँ से उत्तरकाशी आप यहाँ से हर्षिल का ट्रैक कर सकते हैं, आप यहाँ से गंगोत्री और आप यहाँ से यमुनोत्री भी जा सकते हैं। मतलब जो चार धाम में से जो दो मेजर धाम है आप उनकी यात्रा यहाँ से कर सकते हैं। ये थी हमारी चिन्याली सॉर्ट तक की हवाई यात्रा और अभी हम हमारे साथ जो पैसेंजर्स फ्लाई कर रहे थे उनमें से रिव्यूज़ भी लेते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। बड़ा आनंद आया और बिल्कुल कम समय में ही लगाओ आप 10 मिनट लगे होंगे ज़्यादा, और हमको पूरा अपना झील भी देखने को मिला और हमारा जो पहाड़ है जो हमारा मतलब जो हमारा लोकल हुआ है यहाँ पे पहाड़ों का जो है देखने का बड़ा आनंद आया। बिल्कुल कम समय में हमें काफ़ी चीज़ देखने को मिल रही। तो ये थी गौचर और चिन्याली शॉर्ट की हवाई यात्रा और बाकी जो भी चैलेंजेस या फिर टेक्निकल इश्यूज होते हैं वो चीफ कैप्टन ने आपको बता ही दिए। आपको ये हवाई यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे शेयर भी जरूर करें और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट बारामासा.in या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। देखते रहे बारामासा।